हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ऑटो इम्यूनिटी। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटो इम्यूनिटी आज के जैसे समय है, समय में ऐसी ऐसी बीमारियां फैली हुई है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसी में से एक बीमारी है ऑटो इम्यूनिटी बीमारी। ठीक है, ऑटो इम्यून बीमारी आपके पूरे शरीर में होती है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण आपको रूमेटाइड एंड अर्थराइट्स, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड समस्या, ल्यूपस जैसी कई बीमारियां हो सकती है। हम इसके बारे में जानते हैं कि ये बीमारी क्या है और ये कैसे इसे पहचानते हैं। क्या होता है कि इसमें क्या है, यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक साथ कई बीमारी आपको हो जाती है। यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। इस बीमारी के कारण आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आपको अनेक डिजीज की चपेट में ले लेता है। ठीक है, और ये किस कारण होता है, ये बीमारी आपको तब होती है जब शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ, संक्रमण और खाने में मौजूद विशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता संघर्ष करती है। ठीक है, इस बीमारी के होने के बाद शरीर के टिश्यू ही शरीर को, यानी कि शरीर को बीमार और कमजोर बना देते हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स दैट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सर्टेन अदर डिजीज। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सेल एंड प्रोटीन नो एज एंटीबॉडी। इट डेंटिफाइज अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। समटाइम्स द इम्यून सिस्टम मेक अ मिस्टेक एंड अटैक द बॉडीज ओन टिश्यू ओन ऑर्गेन। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन और कुछ अन्य बीमारियों के खिलाफ शरीर का बचाव करती है। यह विभिन्न अंगों, कोशिकाओं और प्रोटीन से बना होता है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। यह कीटाणुओं और अन्य विदेशी पदार्थों को पहचानता है, यानी कि कोई भी जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो यह ऑटो इम्यूनिटी उन पर हमला करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। यानी कि उन्हें हमारी बॉडी के एंटर भी नहीं करने देता। उन्हें क्या करता है, अगर आ भी जाते हैं बॉडी के अंदर, इंटरनली आ जाते हैं, तो उन्हें ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय यानी कि उन्हें ये नष्ट कर देता है। कभी कभी प्रतिरक्षी प्रणाली एक गलती करता है कि और शरीर के अपने टिश्यू या बॉडी के ऑर्गन पर हमला करती है। इसी को यानी कि इसी को अंगों पर ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, ये कहता है अगर कोई भी जैसे कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी पर क्या करता है, अटैक करने की कोशिश भी करता है या एंटर हो जाता है, तो ये क्या करता है, हमें उससे बचाता है, उसे ये नष्ट कर देता है, तुरंत ही उसे नष्ट कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इन ऑटो इम्यून डिजीज दी बॉडी स्टार्ट अटैकिंग इट्स इम्यून सिस्टम एंड दी हेल्थ सेल्स ऑफ दी बॉडी इट सेल्फ। इन दिस डिजीज मैनी काइंड ऑफ चेंज स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन साइड द बॉडी। दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सेल इज ऑल्सो फाउंड इन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की स्वास्थ्य और कोशिकाओं पर ही हमला करने लगती है। ठीक है, इस बीमारी में शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, यानी कि इससे क्या होता है, शरीर में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होना भी पाया जाता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज देन इट इज वेरी कॉमन। इट्स सिम्टम्स आर सो कॉमन दैट पीपल आर एबल टू डिटेक्ट इट इज इट आफ्टर मैनी डेज। इन सम पीपल पेन पेन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि जो ये अगर ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण के बारे में हम जैसे बात करें तो यह बहुत ही सामान्य होता है। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि इसका पता लगे तो लोगों को बहुत दिनों के बाद पता लग सकता है। अगर इसका कुछ ऐसा लक्षण सामने आता भी है तो कई दिनों के बाद इसका पता चलता है। अचानक से इसमें कुछ भी सिम्टम्स या कुछ भी नहीं पता लगता, कई दिनों के बाद पता लगता है। कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज के लक्षण के तौर पर दर्द होता है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें है सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज ट्रबल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम।
विद जॉइंट पेन एंड फीवर अलोंग विद स्वेलिंग इन द एनी इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू द मेन सिम्टम। इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें जो सिम्टम्स है वो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आमतौर पर दर्द सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसके सिम्टम्स है आपको कैसे पता चलेगा, इसमें क्या दर्द होता है, सबसे ज्यादा दर्द होता है जोड़ों में, यानी कि जॉइंट में दर्द होने के साथ पाचन तंत्र में परेशानी होती है। ठीक है, और शरीर के किसी अंत यानी इंटरनली में सूजन के साथ साथ फीवर भी होना हो जाता है। तो इसके ये लक्षण है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें फीवर हो जाएगा, जोड़ों में पेन होगा, और अंदर जो इंटरनली है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, और जॉइंट में भी पेन होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, तो ऑटोइम्यूनिटी के ये सिम्टम्स जो इसमें बताए गए हैं, तो इस वजह से पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ऑटोइम्यून डिजीज इज अ काइंड ऑफ पेन सिम्टम्स इन द सेम वे इन इट्स डिजीज यू कैन सी द डिजीज यू कैन सी द डिजीज ऑफ फैटिग्यू पेन एंड स्वेलिंग द फ्लोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। अब इसमें क्या है कि जो टाइप है इसके वो क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। यानी कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज एक तरह से दर्द के लक्षण है। ठीक है, लक्षण होते हैं कि क्या क्या होता है, उसी तरह से इसकी बीमारियों में भी आप थकान, दर्द, सूजन वाले बीमारियों को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या ऑटो इम्यून डिजीज के मुख्य प्रकार भी हैं, जैसे इसमें है ल्यूपस है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रूमेटाइड्स, और इसको बोलते हैं अर्थराइट्स। ठीक है, सिलिएक सिलिएक डिजीज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और क्या होता है इसमें टाइम एंड डायबिटीज हो जाता है, और इसमें क्या स्पॉट, और इसको हम बोलते हैं बोल्डनेस। ठीक है, यानी कि खून की नसों में सूजन। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा वो है नेक्स्ट है इसमें डेंजर्स, यानी कि वाई आर ऑटो इम्यून डिजीज डेंजर्स। ऑटो इम्यून डिजीज यूजली अकर इन पीपल हु हैव ऑब्जाइटी पुअर लाइफ स्टाइल एंड रॉन्ग ईटिंग। ऑब्जाइटी लीड्स टू प्रॉब्लम विद टाइप 1 डायबिटीज, अर्थराइट्स एंड डिजीज इज वेरी पेनफुल। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ऑटो इम्यून डिजीज दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट दैम कम्प्लीटली। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः ऑटो इम्यून बीमारी उन लोगों में होती है जो मोटापा, जिनको मोटापा होता है, खराब जीवन शैली होती है, जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती और गलत खान पान खा लेते हैं, और उसमें क्या मोटापे की वजह से टाइप 1 डायबिटीज के साथ साथ अर्थराइट्स की परेशानी होती है। रूमेटाइट के अर्थराइट की बीमारी बहुत दर्द देने वाली होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज में खास बात यह है कि इसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी में हमने डेंजर्स तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये हमने ऑटो इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।